राहुल गांधी आज एक बार फिर हाथरस जा रहे हैं। थोड़ी देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों हाथरस के लिए रवाना होंगे। आज राहुल के साथ 35 कांग्रेसी सांसदों का डेलीगेशन भी हाथरस जाएगा। राहुल, प्रियंका और कांग्रेस के सांसद बस से हाथरस जाएंगे। इस बीच राहुल प्रियंका के हाथरस दौरे से पहले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर अटैक किया। स्मृति ने कहा कि राहुल इंसाफ के लिए नहीं बल्कि राजनीति के लिए हाथरस जा रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता स्वयं अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो कूच है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं है। और जिस बस से कांग्रेस के नेता हाथरस जाने वाले हैं उस बस से इंडिया टीवी के संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो है वो इसी बस में जाएंगे हाथरस। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इसी बस में बैठकर के हाथरस की ओर रवाना होंगे। ये बस यहाँ AICC के प्रांगण में लग गई है और अब से थोड़ी देर में यहाँ से जो है वो रवाना होगी। थोड़े दिनों पहले, एक दिन पहले भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कोशिश की थी हाथरस जाने की, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें जाने नहीं दिया गया था। लेकिन आज दोबारा से कांग्रेस के नेता और तमाम जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के और वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के जो है, जिसमें काफ़ी सारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो आज यहाँ से जाएंगे और तमाम नेता इसी बस में सवार होकर के हाथरस जाने का प्रयास करेंगे। विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद 110 दिन बाद सुशांत की मौत पर सबसे बड़ा खुलासा आपको दिखाएंगे। सुशांत की मौत पर एम्स की ऑथेंटिक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।